अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ जी टी फाइव पाकिस्तान एंड वेलकम वंस अगेन टू एजिट गेमिंग। तो भाई इस वक्त माइकल अपने घर में है और ये चिमी वगैरह फैमिली यहाँ बैठी हुई है सारी, पता नहीं क्या कर रही है। तो भाई वी आर बैक और इंशाल्लाह आज से डेली एपिसोड आएगी। तो भाई आज मैंने आपको अपना गैरेज दिखाना है, हमारे पास जो गाड़ी आए, कुछ न्यू गाड़ी हमारे पास आई है और कुछ पुरानी भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी गाड़ी है हमारे पास। और उसके बाद हमने फिर जाना है बायर, बायर हमने क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हम गैरेज की तरफ जाते हैं। और ये कहाँ से आ गई भाई? अच्छा तो भाई ये हमारा गैरेज, ये लैंड क्रूज़र को देखें आप तो ये भाई बिल्कुल फ्रेश इम्पोर्टेड है, अभी बिल्कुल नीव आई है। इसका रिम वगैरह आप देख लीजिए, तो ये असल में बुलेट प्रूफ है, 100% बुलेट प्रूफ। और ये इसलिए क्योंकि अभी हमने इलेक्शंस कराने, इलेक्शन कम्पेन कराना है तो उसमें ये काम आएगा। ये बिल्कुल नीव है, अभी फ्रेश इम्पोर्टेड, और इसके टायर सब कुछ ये बुलेट प्रूफ है, फुली आर्मर्ड गाड़ी है। साथ में अभी टोयोटा यारिस भी देख सकते हैं भाई, टोयोटा यारिस GT5 में, तो भाई मज़ा ही आ गया। ये इसका आप इंटीरियर देख सकते हैं, इसके स्टिकर्स वगैरह भी अभी तक लगे हुए हैं, बिल्कुल अभी तक न्यू गाड़ी है ये। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम कम बैक ही हमने की है, बहुत ही टाइम बाद न्यू वीडियो डाली है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये भी हमारे पास आ गई ट्विटर यारिस, और भी गाड़ियाँ आए वो दूसरी साइड पे कड़ी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी। और उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने लॉस सैंटोस में एक सस्ता बाज़ार टाइप लगाए, तो हमने उसका दौरा करना है कि इंतज़ामात कैसे हैं। तो ये भाई हमारी आ गई टोयोटा यारिस, इसका मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ सब कुछ। ये बिल्कुल ही ओरिजिनल इंटीरियर है इसका। और यार ये साथ में हमारी टोयोटा ग्रैंडी भी कड़ी है, तो वो तो आपने देखी होगी, बहुत ही इसके डिमांड है आजकल। तो ये भी हमारी ट्विटर यारिस, तो ये इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ इसका वर्किंग है। ये आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं भाई, ये चेंज है मेरे ख्याल में इसका ये पैनल, ये एयर वेंट्स वगैरह, या सेम ही अभी। तो इसको हम यहीं पर पार कर देते क्योंकि इसमें हमने जाना है बायर, इसी में जाएंगे आज। कोई प्रोटोकॉल वगैरह हमने नहीं यूज़ करने। ये हमारी होगी भी टोयोटा ग्रैंडी करोला अल्टिस भी इसे कह सकते हैं, तो ये तो आपने देखी होगी। उस तरफ दूसरी तरफ चलते हैं जिधर हमारे पास दो और SUVs है, और ये भी हमने फार्म हाउस से मंगवाई है उसके लिए, इलेक्शन कम्पेन के लिए, इलेक्शन कम्पेन में हमारे काम आएगी। तो माइकल एक बार फिर PTI ही के टिकट से लड़ेगा और देखते हैं इस बार कौन जीतता है। पिछली दफ़ा जब इलेक्शन करवाए थे हमने तो आप सब ने ही वोट डाले थे और उसमें माइकल पोदी मेजॉरिटी के साथ कामयाब हुआ था। तो इस बार देखते हैं, फिर इलेक्शन कम्पेन हम स्टार्ट करेंगे, रैलीज वगैरह जल से जुलूस होंगे, बहुत कुछ होगा भाई, आपने मिस नहीं करनी। तो ये भाई ये LX 570 और ये हमारी टोयोटा प्राडो, सबसे मेरी फेवरेट गाड़ी है इस GT5 में और रियल लाइफ में भी, कि इसका शेप मुझे बहुत पसंद है। इसकी जो न्यू मॉडल्स आई हैं वो भी है, लेकिन ये जो शेप है ना ये बहुत ही मुझे पसंद है। तो इसकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं भाई, इस मोड की क्वालिटी। और इसका इंडिकेटर्स येलो कलर नहीं देती ये, इसमें थोड़ा मैं मिस करता हूँ। और ये तो ये हो गई टोयोटा प्राडो, और ये होगी भाई हमारी LX 570। वाइट कलर की हमारे पास, ब्लैक कलर की भी है, और हमारे पास एक दूसरी LX 570 है जो कि फेस लिफ्टेड एडिशन है, तो वो भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा डिसेंट है, इस पर हम जब फ्लैग्स लगाएंगे बोनेट पे तो ये ज़्यादा डिसेंट लगेगी, इसलिए मैंने यही मंगवाई है। आप लोग बताइए ये ठीक है या कोई फेस लिफ्ट एडिशन हम मंगवा लें, मेरे ख्याल में तो यही ठीक है, बाकी आप ज़रूर बताएं कमेंट में। तो ये बारी LX 570 होगी, इसको भी हम यहीं पे पार्क करते हैं।
और इलेक्शन कैंपेन में ये गाड़ी हमारी काम आएगी। तो भाई हम अंदर जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके फिर हमने जाना है सस्ता बाज़ार का मुआयना करने, उधर का इंतज़ामात का जायज़ा लेने, क्योंकि और लॉस एंजेलिस में बहुत से गरीब लोग भी हैं, उनके लिए हमने एक सस्ता बाज़ार लगाया है। तो चले लेट्स गो। तो तैयारी हमारी रेडी कर ली है, बाहर हमारा ही वेट कर रही थी। तो चलिए जी। इसके भी इंडिकेटर्स आप देख सकते हो वर्किंग है। चल जी। माइकल पता नहीं आज स्लो गाड़ी क्यों चला रहा है। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को अगर हो सके तो शेयर भी कर दें, क्योंकि पूरे तकरीबन 6-7 महीने बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई हम करीब पहुंच चुके, मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया, और यहीं पे हमारा वो है सस्ता बाज़ार है, सस्ता बाज़ार है, लेकिन रश तो ऐसी भी है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी आई है भाई, बड़े लोग आए हैं इधर, तो आजकल सारे लोग मेरे ख्याल में इधर ही शॉपिंग कर रहे हैं सस्ते बाज़ार में, क्योंकि मेहरान भी कर ली है, और मेहरान के साथ वीगो भी खड़ा है, लैंड क्रूज़र भी खड़ी है, तो ये अजीब सा सीन है इधर। तो भाई देखते हैं या मिल क्या रहा है, लोग बेच क्या रहे हैं, और ये इतना रश है तो लोग क्या खरीद रहे हैं इधर, क्या है भाई, ये कोई चप्पल वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं, चप्पल हैं और क्या है पता नहीं, ये टॉवल्स है या क्या है शायद। अच्छा तो ये तो बैग्स है भाई, हैंड बैग्स बहुत ज़्यादा है यार, और ये इतने ज़्यादा लोग यही ख़रीदने के लिए खड़े हैं, पता नहीं ये कोई शॉपिंग बैग्स है कोई। अच्छा इधर तो शर्ट्स है, टी शर्ट्स, ये भी टी शर्ट्स है, काफ़ी कलर्स है यार, वैरायटी है, ये भी शर्ट्स है मेरे ख्याल में, हाँ अभी ये चेंज है, ये न्यू शर्ट्स हैं, यहाँ भी शर्ट्स है, अब यह मेरे ख्याल में कुछ ब्रांडेड चीज़ें, क्योंकि ये फोल्डेड है यार। हम अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं, माइकल के लिए, क्या ख्याल है। हाँ तो चले आगे चलते हैं, फिर वापस आते हैं, यहाँ भी शर्ट्स ही है यार, अच्छी शर्ट्स मिल रहे हैं वैसे, तो हम माइकल के लिए भी देखते हैं, अगर अच्छी कोई चीज़ मिल गई तो हम ख़रीदते हैं। तो सस्ता बाज़ार में यार सिर्फ यही मिल रहा है, अजीब बात है, सिर्फ कपड़े ही मिल रहे हैं, शॉपिंग बैग्स ही मिल रहे हैं, शायद लॉस सैंटोस के लोगों की यही ज़रूरियात और डिमांड्स हो। चलिए भी हम भी अपने लिए कुछ शर्ट्स वगैरह ले लेते हैं। तो भाई हमने शॉपिंग कर ली, आप देख सकते हैं हमारे शॉपिंग बैग्स इधर पड़े हुए, गाड़ी के अंदर भी बहुत काफ़ी शॉपिंग हमने कर ली है। तो ये यार ये गाड़ी है टोयोटा करोला एक्स, मेरे ख्याल में इधर टोयोटा वीगो खड़ी है, और इधर एक क्लासिक लैंड क्रूजर खड़ी है भाई, ये आप देख लें, बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है ये टोयोटा वीगो, ब्लैक वीगो यार, यहाँ क्या कर रहा है, वही रेंज रोवर भी खड़ी है, रेंज रोवर किसने गलती से पार्क की, या भाई इधर कोई शॉपिंग के लिए आए हैं, एक और यार स्पोर्ट्स की गाड़ी भी रेंज रोवर मेरे ख्याल में खड़ी है यार, ये सरकारी गाड़ी भी इधर खड़ी है, टोयोटा वीगो, रिवो के वीगो है, हिलक्स, सरकारी गाड़ी भी इधर खड़ी है सस्ते बाज़ार में यार, ये गाड़ी देखो चेक करो। तो भाई यहाँ से निकलते हैं, हमारा काम यहाँ तमाम हुआ, और ये डिग्गी बंद करते हैं बस। ये हमारा सस्ता बाज़ार का एपिसोड था, इंट्रोडक्शन, और हम नहीं वीडियो स्टार्ट करनी है भाई यूट्यूब पे, वापस आए हैं तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी हमें, तभी हम
आगे जाएंगे। अभी हमारा पॉलिटिकल वो इलेक्शन का सीरीज़ आने वाला है, बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने डिग्गी बंद की और अभी हम जाते हैं अपने घर। तो टोयोटा यारिस कैसी लगी भाई आपको, ये बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट्स में। तो चलते हैं भाई अपनी। घर की तरफ, और हमारा घर नज़दीक ही है, इतना दूर नहीं है यहाँ से। आराम से भाई, स्क्रैचेस वगैरह आ गई है गाड़ी पे, माय दिल की लापरवाही का नतीजा है। तो घर भाई हम पहुंच गए, तकरीबन हम पहुंच गए ऑलमोस्ट। चले जी, तो गाड़ी यहीं पे पार्क कर लेते क्योंकि इधर जो शॉपिंग बैग्स वगैरह है वो फिर निकालने में आसानी होगी। चलिए जी, आज का एपिसोड यही था। और ये हमारे शॉपिंग बैग्स हैं, काफ़ी शॉपिंग की है भाई माइकल ने आज। तो यही तक था भाई आज का एपिसोड, और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।